राजधानी रांची स्थित अपने आवास पर झामुमो के साहिबगंज बोरियो से रहे विधायक लोडिंग हेम्ब्रम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में राज्य के वर्तमान समय के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल इस आयोजित बैठक के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी पार्टी के आगामी कार्यक्रम के विषय में बताया कि आगामी 30 जनवरी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहाटू में लोबिन हेम्ब्रम और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं के द्वारा एक उपवास कार्यक्रम किया जाना है। उसके बाद 2 फरवरी को सिद्धू कानू के जन्मस्थली भोगना डीह साहिबगंज में फिर से उपवास कार्यक्रम आयोजित होगा। 22 जनवरी को दुमका में एक प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन किया जाना है। इन सभी विषयों के रूपरेखा को लेकर ये बैठक आयोजित की गई। आगामी सभी कार्यक्रम झारखंड राज्य में चल रहे CNT SPT पेशा कानून स्थानीय नीति इन सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर की जानी है। अभी आदिवासी और भूमि हरी जीवन को कानून को ताक पर रखकर लूटा जा रहा है। आज की बैठक इसलिए बुलाया गया है कि हमारा 30 जनवरी को हम लोग वहाँ पर उपवास में बैठेंगे और 30 जनवरी को उलिहाटू बिरसा भगवान के जन्मस्थली में वहाँ एक दिन का उपवास रखा जाएगा और 2 फरवरी को साहेबगंज जिला के भोगनाडी सिद्धू कानू के जन्मस्थली पर वहाँ पर उपवास रखा जाएगा और 22 जनवरी को एक प्रमंडलीय सम्मेलन हम लोग दुमका में करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी की बैठक किन विषयों को लेकर? बहुत सारी बातें हैं। यहाँ SPT एक्ट है, CNT एक्ट है, स्थानीय नीति नियोजन नीति, इसके बाद पेशा एक्ट है जो सरकार चुनाव के पहले हर मंच पर ये सरकार बोली थी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे और उसका एक भी अनुपालन नहीं हुआ। यहाँ CNT एक्ट रहते यहाँ पर आपका सरना का जमीन, मसना का जमीन, हड़गड़ी का जमीन, बोयारी का जमीन जिसको कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन ये सारी ज़मीन पर सरकार के आँख के नीचे, प्रशासन के नाक के नीचे सारा चीज़ यहाँ ज़मीन का धड़ल्ले से कानून को राख में रख करके ज़मीन आदिवासियों का ज़मीन को लूटा जा रहा है। और आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड एक दिन में अलग हुआ था, दोनों स्टेट, और छत्तीसगढ़ में अभी वहाँ पर पेशा एक्ट लागू हो गया और झारखंड में पेशा एक्ट उसका नियमावली, उसका रेगुलेशन नहीं बना, जिसके चलते यहाँ पर अभी मुखिया का चुनाव हो रहा है और इस मुखिया के चुनाव में अभी आप देख रहे हैं कोई आदिवासी लड़की से शादी करता है अदर और वो मुखिया बन जाता है, माने उसकी पत्नी मुखिया हो गई तो वही मालिक हो जाता है, जिला परिषद हो जाता है, जिला परिषद अध्यक्ष बन जाता है और ग्राम सभा सर्वोपरि है। यहाँ पेशा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा सर्वोपरि होगा, ग्राम ही सभा में ही निर्णय लिया जाएगा कि क्या यहाँ पर कौन कौन सी योजना चलाया जाएगा, क्या दिया जाएगा, तो ये सब के विरोध में। एक चीज़ सवाल लास्ट है, प्रचार करने के लिए इस तरह को देखिए वक्त बताएगा, जब सरकार अपना वादा पूरा कर ही नहीं, हमको हो सकता है पूछे वहाँ पर, भले उनको नहीं पूछे, हमको अगर लोग पूछेगा तो क्या मुंह बोल ले करके मैं जवाब दूँ वहाँ, आप समझ बताएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रांची से अमरेश कुमार की रिपोर्ट।